आगे बढ़ सकते हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। उस सेलिब्रिटीज के पिक साइड में रखने पड़ेंगे। हाँ वो तो सबसे बेस्ट है हमारे लिए, नहीं? हाँ चलिए, अब ये हो गया, आज हम ईयर पहले करेंगे, कान बहुत जरूरी है, ठीक है। राइट साइड का जो कान, सॉरी, जिनके कान छोटे होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आप लोगों के सबके कान अपने पास हैं, सबने मेजर कर लिया, अपने आप को एनालाइज करो ना, दूसरों को बाद में करेंगे। जस्ट थिंक कि आप कैसे हो, आपको पता होना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए कि वो कैसा है, राइट? मैं 1 मिनट आपको स्पॉटलाइट से हटा रही हूँ पहले, ओके, नाउ आई एम कमिंग ऑन द स्पॉटलाइट, इज इट ओके नाउ? ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, क्या होता है, जिनके कान छोटे हैं, मतलब ये जो हमने मेजर किया ना उससे नीचे, तो वो लोग, जैसे लोगों ने आपने सुना होगा ना, बोलते कुछ है और सुनते कुछ है, सुना है? तो इनका एक एक ट्रेट होता है, अगर आप एबीसी बोलोगे तो वो XYZ सुनेंगे, ठीक है। इनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल का इश्यू रहता है, थोड़ा अपनी बात को तरीके से बोलने का, क्यों? क्योंकि इनके कान छोटे हैं और इस लेवल से नीचे, ओके? तो क्या होता है कि जब ये लोग इतने अच्छे से सुन नहीं पाते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, वो चीजों को समझ नहीं पाते, और इसी वजह से इन लोगों को लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। सिर्फ एक ही ट्रेट बताया है, कौन सा? जिनके कान छोटे हैं, ओके। कभी कान आपके इसके नीचे और नीचे लंबे भी होते हैं तो उसका अलग ट्रेट होता है, जस्ट ध्यान दीजिए, जिनके कान छोटे हैं, जस्ट रिमेम्बर दिस। जरूरी नहीं है पूरा कान की बात हो रही है, कान छोटे हैं मतलब, जैसे अगर आप मेरे कान को देखोगे ये इतना है, और जिन लोगों के कान इतने इतने से भी होते हैं ना, देखे होंगे छोटे छोटे से कान, ये उनकी बात है, ओके। डिफिकल्ट इन कम्युनिकेशन, बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, क्योंकि इनको क्या बात समझ आती नहीं, लेकिन काम तो करना है ना, तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करते हैं, ओके। और इसी वजह से दूसरों, मतलब लोग इनको थोड़ा गलत भी समझ लेते हैं। अब जिनके कान लंबे होते हैं, वो क्या है, वो बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि वो ज्यादा सुनते हैं और समझते ज्यादा है। भगवान बुद्ध के कान आप देखो, एंड यू विल कम टू नो कि क्या है, ठीक है। लोग इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स बोलने आते हैं, अपनी बात कहने आते हैं, और ये बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, काइंड होते हैं, एक बहुत रिस्पेक्टफुल जगह पे होते हैं और जेनरस होते हैं। ये लोग टीचर, मिनिस्टर्स, काउंसलर, राइटर्स होते हैं, और किसी भी तरह का जॉब जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो उसमें ये एक्सेल करते हैं। सिर्फ भगवान बुद्ध के नहीं है, उनके तो ईयर लोब्स भी बहुत लंबे, तो उसका एक अलग मतलब है, वो मैं बताऊंगी। एक आपको एग्जाम्पल के लिए, एकदम आंखों के आगे वो पिक्चर आए, इस वजह से भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल दिया। आपने देखा है ना, जब भी उनकी कोई पिक्चर बनती है तो इतने लंबे लंबे कान दिखा देते हैं। जिनके यहां से लंबे होंगे ना मैम, फिर वो तो स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे। हाँ बस वही है, वही चीज है, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन मैंने अभी आपको छोटे और लंबे कानों का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस समझ आ गए हैं सबको। आप लोग क्या क्या, सबके यहाँ चाय वाय बन रही है, नाश्ता बन रहा है 6 बजे? सबके वीडियो बंद होते ना, मुझे पक्का लगता है सब किचन में भाग गए। ये देखो, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, उसके कान छोटे भी हैं और हाई प्लेस्ड है, फर्स्ट पिक्चर है ना। ये लोग एकेडमिकली काफी ब्रिलियंट होते हैं, इनके पास 2-3 डिग्रीज होती हैं, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ओके। ये बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि इससे ऊपर है इनके कान, दिमाग की तरफ ज्यादा है, इंटेलिजेंस की तरफ ज्यादा है, ओके। मतलब आप ये मान लो, अगर मैं थोड़ा फनी वे में लूं, कि जिनके कान नीचे हैं तो उनको इंटेलिजेंस जाने में लंबा रास्ता लेना पड़ता है, इन लोगों के पास जल्दी पहुंच जाती है,
क्योंकि कान दिमाग के ज्यादा पास है, राइट। चलिए, ये लोग बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, बहुत इंक्विस्टिक होते हैं, ठीक है। इनका ये है कि काम करना है तो अभी करना है, बाद के लिए कुछ नहीं रखना है। करना है तो अभी होगा वो काम, दे आर दैट पंक्चुअल। इसमें अगेन स्पीकर्स, राइटर्स, मिनिस्टर्स, टीचर्स, जो बोल दिया वो अभी के अभी होना है। मैम, मेरा एक्चुअली नेचर ऐसा है, कान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मतलब ठान लिया ना अभी करना है तो अभी ही करना है, बाद में नहीं। बाकी और फेस है, अभी तो पूरा बचा है, अभी तो सिर्फ कान पे आए हैं, उससे पता चलेगा ये लिप्स की, ये जो है नोज है उसका साइज, आपके लिप्स से कैसा है, ठीक है, माथा कैसा है, आईब्रोज कैसी है, आईज का शेप, अभी सब आएगा, जस्ट वेट। चीक यहाँ होते हैं, ये अंदर होते हैं, ये भरे होते हैं, सब डिफरेंसेस है, ठीक है। कभी कभी किसी के कान ना ऐसे चिपके हुए होते हैं, ये वाले पूरे ना लूप होते ही नहीं, वो चिपके हुए होते हैं वेट ऐसे। वेट, सब आएगा 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 आएगा, जस्ट वेट, हैव पेशेंस, है ना। जो बीच में बोलेगा ना, उसका एक पॉइंट याद रखना, ये इसमें पेशेंस नहीं है, फिर उसको एनालाइज करेंगे हम फेस में कौन सा पार्ट है जो बता रहा है कि इस बंदे में पेशेंस नहीं है, ठीक तो है। मैं कहीं जाना है, इसलिए मैं सोची यही वाली जो पार्ट मुझे हमेशा देखने को मिलते हैं, वो लोग कंजूस बहुत होते हैं, चलो जनरल ठीक होते हैं। है, ओके। तो जिन लोगों के लो प्लेस्ड कान होते हैं, कंपैरेटिवली लो प्लेस्ड, एक है हाई प्लेस्ड, एक है नॉर्मल, है ना, और एक होता है यहाँ पे होते हैं। कई लोगों के आप देखोगे ये आंख के नीचे की तरफ से इतने से यहाँ से कान शुरू होंगे, यहाँ से, है ना, ये ऊपर का लोब हटा दो, यहाँ से कान शुरू होंगे, नीचे के इतने से। ये लोग है ना, इनको कम समझ आती, इनको ना जैसे कहते हैं ना बत्ती देर से जलना, ऐसे लोगों की बत्ती देर से ही जलती है, समझ में देर से आती है कोई भी। अगेन जो मेरा लॉजिक है उसके पीछे कि भैया दिमाग से दूर है, ठीक है, तो वो एप्लीकेबल इस केस में रहता है कि उनको इंटेलिजेंस ही थोड़ी होती है, वो उनको चीजें ना लेट समझ आती है, तो उनका जो एक टाइम होता है ना समझने का चीजें, जैसे अभी कोई भी इंटेलिजेंस की कोई बात हो रही है या कुछ भी आप गैदर कर रहे हो इंफॉर्मेशन, आप 30 ईयर्स तक कर लोगे, 30, 25, 30 तक, इन लोगों को उसको बात समझ आए कि लाइफ क्या है, कैसे जीनी है, क्या होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, पर डिग्री होनी चाहिए, ये ना थोड़ा सा लेट चलते हैं हर चीज में, ओके। और बहुत सोच समझ के, क्योंकि उनको क्या डर रहता है, एज तो निकल जाती है ना, तो हर चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके और केयरफुली लेते हैं अपने अंदर, क्योंकि टाइम कम है, अब है ना। ड्रीमर्स होते हैं, प्लैनेट होते हैं, जो भी काम करेंगे वो सही करेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम फ्रेम कम है, याद रखिएगा, वो क्यों इस तरह से करते हैं। जो लोग शुरुआत से शुरू करते हैं उनके पास बहुत टाइम है, पूरी लाइफ है, इन लोगों की लाइफ ही 1/4 के बाद शुरू होती है, तो इनके पास वो 1/4 वाला टाइम जो होता है वो कम होता है, ओके, ठीक है ना। चलो, अनयूजुअल शेप, अनयूजुअल शेप अगर किसी का है, एक तो नॉर्मल शेप सबको पता है, अभी आप देखो यहाँ पे दो टाइप के कान दिए हुए हैं, एक ही यहाँ से कुछ अजीब सा है और एक यहाँ नीचे से कुछ अजीब सा है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं, किसी भी लेवल के हो सकते, ठीक है ना। इनको लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, सारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी नहीं है कुछ स्पेसिफिक हो। इनका एकदम से इरेटिक बिहेवियर, इरेटिक बिहेवियर क्या होगा, कोई भी काम को अगर करना है तो बिहेवियर एकदम ऐसे उत्तेजित हो जाते हैं ना लोग, कि एकदम अच्छा हाँ ठीक है बताओ क्या बात, फिर एकदम से सॉल्व हो जाएंगे लोग, क्योंकि इनका क्या न्यूरोलॉजिकल पैटर्न चेंज रहता है थोड़ा सा, ओके। ईगोइस्टिक बहुत होते हैं, क्योंकि इनको ये रहता है कि कोई इनके बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि इनको पता होता है इनके साथ कुछ इशू है, नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते, हवा में बातें बहुत करते हैं, ठीक है, एक्शन और फाइट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि दिमाग से कम फिजिकल बॉडी से ज्यादा काम लेना पसंद करते, ठीक है ना। वॉयलेंट रहते हैं ऐसे लोग कंपैरेटिवली, आपको
उसका बेस जो है ना वो समझ आना चाहिए, वो ऐसा क्यों है। अगर किसी के दिमाग में कोई चीज देर से जा रही है या कुछ इश्यू है उसके न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, तो वो कहाँ अपनी एनर्जी लगाएगा, फिजिकल चीजों में लगाएगा, है ना। गुस्सा बहुत तेज आएगा, मारा धाड़ी, चीजों को फेंकना, ये सब काम होते हैं। ओके, अनयूजुअल ईयर पैटर्न, क्योंकि एक चीज याद रखिए, ईयर क्या होता है, हमारा 1 से 14 साल को रिप्रेजेंट करता है ना। तो आपका वहां पर सारा पैटर्न्स फिक्स हो जाते हैं। अब जो अंदर का कान है वो बाहर की तरफ, ये भी एक तरह का अनयूजुअल पैटर्न है। एक होता है ये अंदर रहते हैं सारे, आपके लोब्स अंदर जाते हैं पूरे, और एक होता है यहां से अंदर की तरफ ये बाहर आ रहा है, पीछे से आप उसको प्रेस करो वो बाहर आ रहा है, अंदर का पार्ट। देखो हो गया ना, प्रोट्यूडिंग आउटसाइड। आप लोग खुद अपने कान करके देख लो, तो क्या होता है, ये वाला, ये जो पार्ट है ना, ये जो सिल्वर सिल्वर व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ये बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। मिडल ईयर प्रोट्रूड्स टर्न्स इनसाइड आउट, मतलब वो उल्टा हो गया, अंदर का बाहर चला गया और बाहर का अंदर आ गया। ऐसे जो कान होते हैं ये लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, हम जैसे लोग हीलर्स, हर चीज को दूसरी तरीके से देखना, दूसरा पहलू देखना हर चीज का, योगा में, मेडिटेशन में, एक्यूपंक्चर में, एनर्जी वर्कर्स होते हैं, फेंग शुई और क्रिएटिव आइडियाज होते हैं इनके पास, फोकस होते हैं, इनर वर्ल्ड में फोकस ज्यादा होते हैं, ठीक है, इंट्यूटिव होते हैं, स्पिरिचुअल पीपल होते हैं। क्लियर है? ये थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत सारे ईयर जब आप देखोगे ना अलग अलग लोगों के, कोई किस प्रोफेशन में है, कोई किस प्रोफेशन में है, तो ये डीप स्टडी आप जब धीरे धीरे करते रहोगे तो एकदम क्लिक होगा, ठीक है ना। कहाँ गई प्रियंका जी, आ जाओ, आपका आ गया नो ईयर लोब चिपका हुआ कान, ठीक है। ये लोग जजमेंटल होते हैं, ठीक है, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते, जो आपने कहा ना कंजूस होते हैं, वो अब आपको समझेगा क्यों होते हैं, बिकॉज ये लोग जजमेंटल होते हैं, ये खुद पे ट्रस्ट करते हैं, दूसरों पे नहीं। ओके okay? और इनको एकदम से पता चल जाता है कि सामने वाला आपको पसंद कर रहा है या नहीं कर, अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक। हाँ, मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी का ऐसा, मैं ईयर देखी हुई, एक दो लोगों का ईयर देखी हुई, इस तरह से बहुत रेयर दिखते हैं ऐसा। अच्छा, इरेंड है, फॉरनर्स के बहुत होते हैं, उनको ट्रस्ट ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो सिर्फ खुद पे बिलीव करते हैं, आप देख लो, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं वो लोग, बहुत कम केयरिंग मिलेंगे आपको फॉरनर्स, ठीक है ना। अब ये देखो ईयर्स, लॉन्ग लोब्स जो हम बात कर रहे थे ना, कान है लंबा कान है, लेकिन उसके जो लोब्स हैं वो काफी लंबे हैं, है ना, यहाँ पर एग्जैक्टली यू कैन से लॉर्ड बुद्धा की जो हम बात करते हैं, भगवान बुद्ध की, उनके ऐसे हैं, ये स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड ट्रुथ, इंटरेस्टेड इन इनर ट्रांसफॉर्मेशंस, इन आर्टिस्टिक रेंडरिंग्स ऑफ बुद्धा, इसमें भी आया है, ही हैज ईयर लोब्स ऑलमोस्ट टचिंग हिज शोल्डर्स, आप कोई भी उनकी पिक्चर देखिए, बहुत लंबे ईयर लोब्स हैं, काइंड होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं और जेनरस होते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं ऐसे देखने को, लेकिन होते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है, बहुत रेयर वो हैं ईयर। तो कान के बारे में यही तक था, ईयर के बारे में कुछ भी अभी कुछ और डाउट है तो पूछिए, मैं और उसको फिर R&D करके आपको बताऊंगी। एक से चौदह किसी हाँ के कान में हम ऐसे खड़े होते, जैसे किसी के ऐसे बिछे हुए होते हैं ना, किसी के अंदर ऐसे होते चिपके हैं। हाँ हुए, अंदर अंदर चिपके हुए और एक बाहर निकले हुए हैं,
हाँ एक ऐसे खड़े होते हैं जैसे जैसे ऐसे खड़े एलियन हाथी जैसे के जैसे मेरे ऐसे करके हैं। आपके ऐसे, तो उसका भी अलग फीचर होगा से ऐसे बाहर है, देखो ना। आप हाँ ये देखिए, थोड़े हाँ मैम। से बाहर है ऐसे, चिपके भी नहीं। ठीक है, अब क्या सोचोगे ऐसे कानों वालों के लिए? फिर मैं अपना बताती हूँ आपको कि ऐसे कान वाले क्या होते हैं। मेहनती होंगे नहीं भाई बिल्कुल नहीं। या ऊंची उड़ान उड़ना पसंद करेंगे। नहीं, ये वाला जो है ना, मिडिल ईयर ऑफ द ईयर प्रोट्यूडिंग टर्न्स इनसाइड आउट, काफी कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं इनके। ये लोग स्पिरिचुअली ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, दूसरों को प्रीच करना पसंद होता है। कोई भी चीज होती है मतलब इंटेलेक्ट जो होता है इनका, इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है मैं इनके वैसे लोग कनेक्शन। किसी की सुनते नहीं है, ऐसा भी होता है किसी की नहीं सुनेंगे अपनी करेंगे। एक बार जो दिमाग में बैठ गया वो करना है, क्योंकि अच्छा उनको इंट्यूशंस होती हैं, उनको पता चल जाता है पहले से कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, या फिर उनको एक अलग टाइप का गट होता है उनका, जो सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं ना, ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होती है, तो इन लोगों की सुन लेनी चाहिए वंस इन अ और लाइफ। मैम आपने ईयरलॉग्स का बोला ना कि बहुत लंबे होते हैं, लेकिन किसी किसी के मिडल होते हैं ना, ना छोटे ना बड़े, जैसे मेरे समझे या किसी और के भी। हाँ, तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। बहुत सारे और ट्रेड्स हैं उसके लिए। फिर देखिए एक उसमें, फिर आप लार्ज और छोटे जो ईयर है ना उसी को देखोगे। देखिए एक कान जो होता है आपका, ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए। एबनॉर्मल जो चीजें होती है वो अलग दिखती हैं। ओके, अब जो ये कान होता है, ये जो आपका लिप होता है ना, लिप का ये कॉर्नर यहां तक होता है एक नॉर्मल कान, ठीक है। और आईब्रो, ये सॉरी, आईब्रो के नीचे जो कान, ये अपना ईयर का होता है, ये आईलेट्स का जो कॉर्नर होता है उससे आपका ये कान होता है, तो इतने बड़े एक जनरल नॉर्मल कान होता अच्छा है। अब इसके अलावा अगर कुछ ऊपर नीचे है तो हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा लंबे हैं, अलग सा शेप है, अंदर का, अंदर की जो बनावट है वो कुछ डिफरेंट है ना। क्या होता है देखिए, मैं आपको बताती हूँ 1 से 14 साल इसको क्यों कहा जाता है। आप अगर ध्यान से अपने कान की कभी ना क्लिक करके मतलब फोटो खींचो और उसको स्टडी करो, और ऐसा लगता है जैसे वूम के अंदर कोई बच्चा हो। ओके, अल्टीमेटली उसका मतलब क्या है? वूम के अंदर बच्चा क्या होता है कि वो नर्चर हो रहा है, सीख रहा है, ग्रो कर रहा है, हर चीज को अपने अंदर ले रहा है ना, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे बातें हो, चाहे कुछ भी हो, एनवायरनमेंट से अपने मदर के थ्रू वो सब चीजें ले रहा है, यही होता है ना वो। 1 से 14 साल में, हमेशा बोलती हूँ 14 तो वो हो गया, 1 से 9 से 10 साल तक बच्चा अपनी माँ के उसमें रहता है, एनवायरनमेंट में रहता है, मदर उसे जो सिखाती है वो सीखता है, उसके बाद फादर का रोल आता है 14-15 साल तक, जब वो बच्चा थोड़ा सा मतलब प्यूबर्टी की तरफ जब जाता है तब उसके फादर का रोल स्टार्ट हो जाता है दुनियादारी दिखाने का। तो क्या है, 1 to 14 years बच्चा सुनने का ज्यादा काम करता, ठीक है। आप जो बोलोगे, आप जो उसको समझाओगे वो अंदर तक लेगा। तो यहाँ पर मदर फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको वूम का शेप दिया हो, ठीक ठीक है। क्लियर है यहां तक? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, इस टाइप की कुछ? और ईयर क्लियर हो गया आप लोगों को? छोटा टॉपिक था इसलिए मैंने आज पहले लिया ताकि उसको इजीली आप कर सको।